नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष आपका स्वागत करता हूँ लर्न वेल चैनल पे। तो दोस्तों, लास्ट टाइम मैंने आपको दिया था जीएसटी ट्रैकर करके, अभी ये हो चुका है जीएसटी एचएसएन एसएससी ट्रैकर करके। तो इसमें आपका एचएसएन और एसएससी ट्रैक करने के लिए भी एक सीट ऐड हो चुकी है। तो पहले इसमें अपना जीएसटी ट्रैकर ये वाला सर्च जीएसटी वाला सीट था, अभी इसमें सर्च एचएसएन एसएससी वाली सीट भी ऐड हो चुकी है। तो ये वर्किंग कैसे करता है चलिए देखते हैं। तो मान लीजिए आपको कुछ जीएसटी नंबर्स डाल के उसके डिटेल आपको निकालने हैं, तो ये डायरेक्ट आपका पोर्टल से जीएसटी पोर्टल से डिटेल यहाँ पे कलेक्ट करके आपको शो कर देता है। तो आप इसमें कितने भी जीएसटी नंबर आप यहाँ पे एक ही साथ डाल सकते हैं। उसके बाद आपको इधर गेट जीएसटी डिटेल पे क्लिक करना है। तो आप इस बटन पे क्लिक करते हैं तो ये पहले इंटरनेट से आपका यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं उसको सर्च करता है, उसके बाद फिर उसका डिटेल इधर लेके आ जाता है। तो यहाँ से रहेगा कि अपना ये लास्ट कब चेक हुआ, उसका लीगल नेम क्या है, ट्रेड नेम क्या है, उसका रजिस्ट्रेशन स्टेटस क्या है, एक्टिव है इनएक्टिव है, और जो जीएसटी नंबर रॉन्ग होगा उसका डिटेल ये लेके नहीं आएगा और रॉन्ग वाले को छोड़ देता है यहाँ पे। तो आप रॉन्ग का भी चेक कर सकते हैं, उसका अगर डिटेल नहीं है मतलब वो जीएसटी नंबर रॉन्ग है अपना। और बाकी चीज़ें भी वहाँ पे उसका एड्रेस वगैरह सभी चीज़ें, कौन से स्टेट का है क्या है, सारा डिटेल अपना यहाँ पर आ जाता है। तो सिर्फ इसमें क्या करना है, आपको सिर्फ जीएसटी नंबर यहाँ पे अपडेट करना है और गेट जीएसटी डिटेल पे क्लिक करना है। अब इसको आप यूज़ करने के लिए कहीं भी अपना यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब इसमें अपना चलते हैं सर्च एचएसएन एसएससी वाले में। तो इधर आपको एचएसएन एसएससी नंबर डाल देना है, आपकी जितनी भी लंबी लिस्ट हो आप उसको डाल दीजिए। तो इसमें भी सेम वही प्रोसेस रहेगा, यहाँ पर आपका डिस्क्रिप्शन वगैरह आ जाएगा। तो आपका मान लीजिए टैली में आपने एंट्री करके रखा, उसको चेक करना है सही नंबर है गलत नंबर है तो चेक भी हो जाएगा। जिसका डिटेल नहीं आया मतलब वो गलत एचएसएन कोड है, जिसका डिटेल आया वो मतलब सही एचएसएन कोड है। तो अभी मैंने इसमें इतने सारे एचएसएन कोड डाल दिए हैं, मैं इसमें कुछ और अपने से भी ऐसे ही कुछ रैंडमली एक डाल देता हूँ। तो इस तरीके से मैंने ये कुछ कोड्स को डाल दिया है। अब इसमें अपने को क्लिक करना है गेट एचएसएन एसएससी डिटेल वाली बटन पर। तो ये क्या करेगा, अपना ऑनलाइन सर्च करके जीएसटी पोर्टल से यहाँ पे आपको एचएसएन का डिटेल ला के दे देगा। तो अभी आप देख सकते हैं इसमें आपका डिटेल आ गया, ये जो भी अपनी सर्विसेज से रिलेटेड जो भी ये अपनी एसएससी कोड थी इसका आ गया, ये अपना एचएसएन कोड था। तो आपका लिस्ट कितनी भी लंबी हो सकती है, यहाँ पे पूरा डिटेल उसका आता है। और ये लास्ट वाले जो दो मैंने गलत डाल दिए थे अपने मन से, तो इसका कुछ भी डिटेल ये लेके नहीं आया हुआ है, बाकी का डिटेल इसने ला लिया। तो दोस्तों, इस तरीके से आप जीएसटी नंबर सर्च कर सकते हैं, उसका सभी डिटेल्स डाल सकते हैं और साथ ही यहाँ पे एचएसएन एसएससी कोड को भी सर्च कर सकते हैं, उसका डिटेल आप यूज़ कर सकते हैं। तो अब इस फाइल को कैसे करना है चलिए वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इसको भी क्लोज कर देता हूँ। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, फाइल को डाउनलोड करना है, मैं आपको डाउनलोड लिंक दूंगा। उसके पहले आपको सिंपल सा एक्सेल, अपना जो भी आपका एक्सेल रहेगा उसको आपको ओपन कर लेना है। एक्सेल ओपन करने के बाद में आपको यहाँ ऑप्शन में जाना है नीचे में, या तो आपका मान लीजिए एक्सेल वर्कबुक ऐसी ओपन है तो इसमें फाइल में चले जाना है। फाइल में जाने से इधर लास्ट में सबसे ऑप्शंस दिखेगा, तो अपने को ऑप्शंस में इधर ट्रस्ट सेंटर में जाना है और ट्रस्ट सेंटर सेटिंग में चले जाना है। यहाँ पर आपको मैक्रो सेटिंग करके मिल जाएगा, इसमें अपने को इनेबल ऑल मैक्रोज करके इस पर टिक कर देना है। यानी कि कुल मिला के आपको मैक्रो इनेबल करना है, जो अपनी सीट रहेगी वो मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक रहेगी तभी उसमें वर्क करेगा। अब इसको आपको ओके करके क्लोज कर देना है, तो आपको मैक्रो इनेबल हो जाएगा। फिर आपको मेरी वाली फाइल जो आपने डाउनलोड किया होगा उसको आपको ओपन करना है। तो जब आप ओपन करेंगे तो इस तरीके से मैसेज आएगा, अगर ये मैसेज नहीं आया तो मतलब आपका मैक्रो इनेबल नहीं हुआ है। ये अगर मैसेज आ रहा है तो यानी कि आपका मैक्रो इनेबल है, अब ये सीट परफेक्ट काम करने के लिए रेडी है। ठीक है, अब इसमें ये दोनों सीट का आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जाके आपको जितने भी एचएसएन कोड के डिटेल वगैरह डालने हो आप यहाँ पे डालिए, या सी सेम आप जीएसटी नंबर जितने भी हैं आपको चेक करने हैं उसके डिटेल निकालने हैं आप यहाँ पे जीएसटी नंबर डालिए। आप बटन पे क्लिक करिए, आपका सारा का सारा डिटेल जैसे ही आप बटन पे क्लिक करेंगे वो इंटरनेट से आपका API के थ्रू कनेक्ट होकर यहाँ पर लेके आ जाएगा। तो इसको आप ज़रूर डाउनलोड कीजिए, काफ़ी ज़्यादा यूजफुल चीज़ है ये। और भी इसमें अगर आपको कुछ चीज़ें ऐड करनी है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं ऐसी चीज़ें आपके लिए लाता रहता हूँ। और वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करके शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।